गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप इतनी ऑसम सीरीज को मिस नहीं करेंगे। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कमांडर कैप्टन लू को जान से मारने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, तभी वहां एक पर्सन कैप्टन लू की गर्दन को काटने ही वाला होता है। अब आगे जहां हम देखते हैं कि वो पर्सन जैसे ही कैप्टन लू की गर्दन को काटने वाला होता है, पर तभी वहां पर जाओ डई आकर अपने आइस पावर से उस पर्सन पर अटैक कर देती है और उसे पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है। यह देख कर कमांडर चौंकते हुए खड़े हो जाते हैं और गुस्साते हुए बोलते हैं, आखिर कौन है जिसने ऐसा करने की हिम्मत की यहाँ। तभी वहाँ जाओ डई हवा में कूदते हुए नीचे आ जाती है, जिसके बाद कैप्टन लू यह देख कर चौंक जाते हैं और कहते हैं, मिस जाओ डई, तुम यहाँ क्यों आई हो। जिस पर जाओ डई बोलती है कि मैं यहाँ आपको बचाने आई हूँ। तभी कैप्टन लू कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। जिसके बाद जाओ डई बोलती है, मैंने लुओ जैंग से वादा किया है कि मैं आपको बचा लूंगी। अब कैप्टन लू जैंग का नाम सुन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जैंग जिंदा है। अब यह सुनकर कमांडर इवन स्माइल देते हुए बोलता है, भले ही जैंग बग क्वीन डीमन से बच गया, पर उसे व्हाइट एंड ब्लैक घोर डीमन नहीं छोड़ेंगे। और अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि पकड़ो इस लड़की को जिसने हमारे काम में अभी बाधा डाला है। तभी सारे सोल्जर अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए रेडी हो जाते हैं और जाओ डई को पकड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब यह देख मिस जाओ डई अपने आइस पावर का यूज करते हुए उन पर अटैक कर देती है, जिससे कुछ सोल्जर नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद वो सभी सोल्जर से कहती है कि ये कमांडर आप सभी को धोखा दे रहा है, किसी ने ब्लू विंड आर्मी के सारे सोल्जर को मारा है और आपके सामने झूठा नाटक कर रहा है। जिसके बाद कैप्टन लू भी कहते हैं, यह सही बोल रही है और मिस जाओ डई हमारी विटनेस भी है। कमांडर ने हमें गलत मैप दे के बग क्वीन डीमन के घर में भेज दिया था और इसने ही हमारे 32 सोल्जर को मार दिया है। और यह सोल्जर सिर्फ सोल्जर नहीं थे, बल्कि मेरे और आपके भाई जैसे थे। यह सुन कमांडर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बकवास बंद करो, इसी के कारण सभी सोल्जर मारे गए हैं, क्योंकि ये मेरे ऑर्डर के बिना ही बग वैली चला गया, ऊपर से इतना झूठ भी बोल रहा है। जिसके बाद मिस जाओ डई अपने हाथों में एक बर्ड को लेकर बोल रही होती है कि मेरे पास प्रूफ भी है और यह एक मैकेनिकल स्पैरो है, जिससे साफ पता चल जाएगा कि कमांडर की जियो फैमिली के साथ क्या सौदा हुआ था और इसने अपने अधिकार का गलत यूज किया है। इसके बाद कमांडर बोलते हैं कि तुम बकवास फैलाने की कोशिश बंद करो और तुम नॉर्मल क्लियर स्कैसेक्ट की डिसाइपल हो, जो बग क्वीन डीमंस की क्रिस्टल को पाने की लालच में अंधा हो गया था। जिसके बाद कमांडर अपने सोल्जर्स को जाओ डई पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं कि इन लोगों ने तुम्हारे सोल्जर को मारा तो इन्हें मत छोड़ना। पर उन सोल्जर्स को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से सच कौन बोल रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। पर यह देख कर कमांडर गुस्साते हुए कहते हैं कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा और क्या तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं। अब यह सुनकर सभी सोल्जर्स अटैक करने के लिए उन पर आगे बढ़ जाते हैं। अब यह देख जाओ डई अपने आइस पावर का यूज करते हुए उन सोल्जर्स पर अटैक कर उन्हें बर्फ में जमाने लगती है और फिर कैप्टन लू के जंजीरों पर आइस अटैक कर उन्हें तोड़ देती है और कैप्टन लू को बचा लेती है। जहां अब कैप्टन लू कहते हैं, हमारे पास अभी पूरे सबूत नहीं है, इसलिए हम बहस करेंगे तो वो जीत जाएगा। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स उनके पास आने लगते हैं। अब यह देख जाओ डई अपने खतरनाक आइस अटैक से सारे सोल्जर्स को साथ ही उस पूरी जगह को बर्फ में जमा देती है और कमांडर के भी हाथों को जमा देती है। यह देख कमांडर चौंक रहा होता है कि यह तो एक सैंड क्लास आइस टेक्निक है, पर यह कैसे हो सकता है। अभी इधर जाओ डई अब वीक पड़ने लगती है। इसके बाद वो वहाँ से नीचे आ जाती है। अभी वहाँ कैप्टन लू आकर
आकर उसे संभाल लेते हैं, जिसके बाद वहाँ कमांडर आकर उन दोनों पर अचानक से अटैक कर उन्हें दूर फेंक देते हैं। तभी वो कमांडर अपनी पैरों को जमीन में पटक कर वहाँ की सारी जमीन को हिला देता है, जहाँ अब कैप्टन लुजाउडई को घायल देख कर कमांडर से कहते हैं कि तुमने एक क्लियर स्कैसेक्ट के डिसाइपल को चोट पहुँचाई है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो लोग अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे? जिस पर वो कमांडर हंसते हुए बोलता है, मैंने तो बस अपने कानून का पालन किया है, इस लड़की ने मेरे काम में बाधा डाला, इसलिए इसके साथ ऐसा ही होगा। और अब वो अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ बहुत सारे पत्थरों को हवा में उठा कर उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब यह देख जाउडई तो जैंग को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी वहाँ पर अचानक से जैंग की नाइफ आके उन सभी पत्थर पर अटैक कर देता है। इसके बाद जैंग नीचे आ जाता है। अब यह देख सभी लोग चौंक रहे होते हैं, जिसके बाद वो सारे पत्थर अब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी जैंग जाउडई को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे जगाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ अब उसकी आँख खुल जाती है, जिसके बाद कमांडर बोलता है कि लो जैंग, आखिर तुम उस मैनेजर और व्हाइट एंड ब्लैक डीमन से बच कैसे गए? इस पर जैंग बोलता है, मैंने उन सभी को अच्छे से ठिकाने लगा दिया है। जिस पर कमांडर गुस्साते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हारी जियो फैमिली के मेंबर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? और अपने सोल्जर को ऑर्डर देते हैं, पकड़ो लो जैंग को। जिसके बाद जैंग अपनी ऑसम फाइट के साथ उन सोल्जर को एक एक कर पीट रहा होता है, कभी हाथों से तो कभी पैरों से, जहां अब वो सारे सोल्जर एक साथ ही जैंग पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। अब यह देख जैंग अपने अजोरा ड्रैगन को बाहर निकालकर उन सभी पर जोरदार अटैक कर देता है और उन सभी को दूर फेंक देता है। अब यह देख कमांडर अपनी पावर का यूज करते हुए फिर से बहुत सारे पत्थर को हवा में उठा कर जैंग पर अटैक कर देता है, जहां अब जैंग उन पत्थरों से लड़ते हुए उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी एक पत्थर जैंग को लग जाता है, फिर देखते ही देखते सारे पत्थर जैंग को कैद कर लेते हैं। इसके बाद जैंग पत्थरों के अंदर सोच रहा होता है कि इस टेक्निक में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये पत्थर मेरे एसेंस को खींच रही हैं। जिसके बाद हम जैंग को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो कहता है कि मेरी बॉडी पहले से ही लो ग्रेड की स्पिरिचुअल वेपन है, जहाँ अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि पत्थरों से बहुत ही तेज लाइट निकल रही होती है। तभी अचानक से जैंग उन पत्थरों को चीरते हुए कमांडर पर अटैक कर देता है और उससे फाइट करने लगता है, जहां अब जैंग उसे एक जोरदार पंच मार कर दूर फेंक देता है। तभी वहां वो कमांडर सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसने मेरे पत्थरों से किए गए अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद जैंग अपनी आंखों से सीधे उसके सोल पर ही अटैक कर देता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल रही होती है। तभी उसे बहुत दर्द भी हो रहा होता है, जहां वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद कमांडर गुस्साते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए बड़े बड़े पत्थरों को हवा में उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहां खड़े सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जहां अब वो सोल्जर भी उसके अटैक से बच के भाग रहे होते हैं। अभी इधर जैंग अपनी हाथों से उन पत्थरों को रोक रहा होता है, जिसके बाद जैंग अपनी एक पावरफुल पंच का यूज करते हुए उन पत्थरों पर अटैक कर उन्हें तोड़ देता है। तभी पीछे से कैप्टन लू जैंग से कहते हैं कि कमांडर 40 लेयर इनेट स्टेज पर है, इसलिए संभाल के, और कैप्टन लू जाउडई को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद कमांडर अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ जमीन से बड़े बड़े माउंटेन को बाहर निकालने लगता है, जहाँ अब चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन होते हैं। तभी कमांडर जैंग के सामने आकर बोलते हैं, मैं यहाँ के सारे लोगों को मार देना चाहता हूँ। जिस पर जैंग गुस्साते हुए बोलता है, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? जिसके बाद कमांडर बोलता है, जब मैं 16 साल का था तब मैंने आर्मी ज्वाइन किया था अपनी रैंक और मेहनत की वजह से, पर कौन जानता था कि ये लोग मुझे इस बंजर जमीन पर भेज देंगे, इस कीड़े जैसे लोगों के पास।
पास। मेरा तो आधा लाइफ ही बेकार हो गया। मैं बस कैपिटल सिटी में वापस जाना चाहता हूँ और कुछ सालों तक आराम करना चाहता हूँ। मैं गलत कैसे हुआ? जिस पर जैंग बोलता है, मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे कमांडर पर, जिसने आराम करने के लिए आर्मी ज्वाइन किया है। वियसुन कमांडर गुस्साते हुए अपने हाथ में एक भाला निकाल लेते हैं। यह देख जैंग सोचता है कि ये कमांडर अभी 14 लेयर इनर्ट स्टेज पर है और मैं बस रिफाइनिंग स्टेज पर हूँ। साथ ही कैप्टन लू और जाउडे की भी हालत खराब है, इसलिए इस सिचुएशन में मुझे यहाँ से भाग जाना ही सही होगा। तभी जैंग वहाँ से भागने लगता है। अब यह देख कमांडर वहाँ पर अटैक कर उस जमीन को ही चीर देते हैं, जिस कारण जैंग उसमें गिरे एक जगह पर लटक जाता है। जहाँ अब कमांडर आकर भाले से जैंग पर अटैक कर देता है, पर जैंग उससे बच जाता है और कूद कर वहाँ से ऊपर की ओर आ जाता है। जहाँ अब वो कहता है कि इसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, मैं तो तुमको अकेले ही मार सकता हूँ। और यही एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।